एक दिन हरिपाल जंगल में लकड़ी काट रहा था घर ले जाने के लिए, तभी उसके पीछे एक हाथी का बच्चा आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिंगाड़ने लगता है। अरे ये तो हाथी का बच्चा है, पर ये यहाँ कैसे आ गया? अरे ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। शायद ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसीलिए रो रहा होगा। हरिपाल हाथी के बच्चे के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से सहलाने लगता है। तभी उसकी नजर हाथी के बच्चे के पैर पर जाती है, उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। अरे रे रे, तुम्हारे पैर से तो बहुत खून बाहर आ रहा है, शायद तुम्हें चोट आई है। इसी के बारे में तुम मुझे यहाँ बताने आए हो? अब तुम्हें फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। हरिपाल हाथी के बच्चे को नीचे बैठने को बोलता है, फिर जंगल में उगे पौधों से पत्ते तोड़कर उन्हें अपने हाथों से मलकर हाथी के बच्चे के पैर में लगी चोट पर लगा देता है। छोटा हाथी, ये कोई मामूली पौधा नहीं है, ये जड़ी बूटी है। मैं सालों से इस जंगल में आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे सभी पौधों के बारे में अच्छे से पता है। थोड़ी ही देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और पूरे जंगल में दौड़ने और भागने लगोगे। वाकई थोड़ी देर में हाथी का बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और खुशी के मारे वो इधर उधर उछलने लगता है। फिर हाथी का बच्चा अपनी सूंड से हरिपाल को प्यार से सहलाने लगता है। तभी पीछे से उसकी माँ हाथनी आ जाती है। अपने बच्चे को इंसान के पास देखकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। मैंने तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि मैंने तो उसको ठीक किया है। उसके पैर में चोट लगी थी, वो घायल था, मैंने बस उसकी चोट ठीक की है, वे अब बिल्कुल ठीक है। पहले तो वे बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था। तभी हाथनी का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और उसे अपने पैर में लगी जड़ी बूटी दिखाता है। जब हाथनी सब समझ जाती है और हरिपाल के पास जाती है और अपनी सूंड हिलाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, फिर वहाँ से अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती है। चलो अच्छा हुआ जो उसकी बच्ची को माँ मिल गई, नहीं तो बेचारा पता नहीं इस हालत में कहाँ कहाँ ढूंढता अपनी माँ को। अब मुझे घर चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। हरिपाल अपने लकड़ियों का गट्टर उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। हरिपाल आधे रास्ते तक पहुंचा ही होगा कि उसका सामना एक शेर से होता है। शेर को देखकर वो डर के मारे लकड़ियों का गट्टर वही गिरा देता है और उसका शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी जान बचाऊं इस शेर से? यह शेर अभी मुझे कच्चा खा जाएगा। जल्दी जल्दी में मेरी कुल्हाड़ी भी वही रह गई जहां मैं लकड़ियां काट रहा था, वो मेरे पास होती तो मैं अपनी जान बचा पाता। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। तभी शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे हरिपाल के पास बढ़ता है। तभी शेर उछलता हुआ हरिपाल पर हमला करता ही होता है कि वही हाथनी शेर के सामने आ जाती है और शेर को अपनी सुन से पटक कर दूर फेंक देती है। हाथनी के डर से शेर दम बुबाकर भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मैं तो मर ही गया होता आज। और हाथनी हरिदास को अपनी पीठ पर बैठा लेती है। हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों मुझे मेरे घर तक छोड़ने चाहते हो ना? ठीक है चलो,
आज से हम दोस्त हुए, क्यों छोटे हाथी? हाथी और उसका बच्चा हरिपाल को उसके घर के नजदीक छोड़ देते हैं और दोनों सुन हिलाते हुए वहाँ से वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। संतरापुर नाम के गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदन के पास एक गर्भवती गाय थी जो एक ईमानदार इंसान से कम होशियार नहीं थी। चंदन की गाय तारा अपने मालिक के बिना ही जंगल में जाकर हरा भरा घास खाकर वापस घर लौट कर आती थी। चंदन भी तारा को किसी चीज की कोई कमी ना हो इस बात की पूरी कोशिश करता था। तारा, तुम्हें अब इस हालत में अकेले जंगल में इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। मैं तुम्हारे लिए हरा भरा घास यहाँ पर लाकर दूंगा। चंदन ऐसा कहता है, लेकिन तारा अपने मालिक को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपने मालिक की बात को टाल देती है और अकेले ही जंगल में घास खाने के लिए चली जाती है। जंगल में जाने के बाद अपने मालिक की बात के खिला होकर आई है ये सोचते हुए जंगल में घास खाए बिना आगे तक चली जाती है। इससे पहले कि तारा को एहसास हो कि वो जंगल के खतरनाक हिस्से में है, उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है और उसे बड़े मजे लेते हुए देखता है। अरे वाह, लगता है आज मेरी तो दावत ही है। इतना स्वादिष्ट खाना कुछ चलकर मुझ तक आया है। हे जंगल के राजा, ऐसे मत कहो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे ने अभी तक ये दुनिया देखी भी नहीं है। माफ करना सुंदर गाय, लेकिन इस जालिम बुक को तुम्हारी बच्चे की कोई परवाह नहीं है। यही तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहते हुए शेर उस गर्भवती गाय के पीछे पड़ता है। दोनों जंगल में काफी देर तक भागते हैं। भाग भाग कर गाय थक कर जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो गाय रोते हुए उस शेर से विनती करती है। आज या कल में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जैसे ही उसका जन्म होगा मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। शेर को भी उस गाय की हालत देखकर दुख होता है, इसलिए वो शेर उसे फिलहाल के लिए जाने देता है और वो गाय चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दो दिन बाद वो एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। अरे वाह तारा, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर है। अब तो मेरी बात मानो और कुछ दिन घर पर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए ताजा और हरा भरा घास लाकर दूंगा। नहीं मालिक, मुझे अब जाना होगा, मैंने किसी को वादा किया था। मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। ये कहते हुए तारा अपने मालिक को शेर वाली सारी बात बताती है। वो बात सुनकर चंदन भी काफी दुखी होता है और उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तारा उसकी एक भी नहीं सुनती है और रोते हुए जंगल में चली जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई, और थोड़ी देर करती तो मैं ही तुम्हारे पास आने वाला था। मैं कैसी ना आती, मैंने वादा किया था वो भी एक जंगल के राजा से। अगर मैं वादा तोड़ दी तो मेरी अकेले की वजह से दोबारा कोई भी गाय पर भरोसा नहीं करता। आप इलेक्शन लगती तो जरूर जीत जाती, लेकिन तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है। अब जल्दी से भागना शुरू करो और मैं तुम्हारा शिकार करके खाऊंगा। तारा कहती है कि वो कमजोर है, भाग नहीं सकती है, लेकिन वो शेर
उसे भागने के लिए ही कहता है। गाय गिरते पड़ते हुए जंगल में से भागने लगती है और भागते भागते एक ही बात सोचती है कि एक शेर से बदतर और कोई नहीं हो सकता है। वो शेर उसे भगा भगा कर लाकर एक जगह पर रुका देता है। पीछे तुम्हारा घर है, अब दोबारा इस जंगल में मत आना। हर बार तुम्हारी किस्मत में मुझ जैसा शेर नहीं होगा। माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा सोच रही थी। शेर जवाब दिए बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो गाय भी अपने बच्चे के पास लौट जाती है। चंदन अपनी गाय को वापस अपने घर में सही सलामत देखकर काफी खुश होता है और तारा फिर कभी भी उस जंगल की ओर नहीं जाती है। जो चंदन लाकर देता है वही खाकर अपने बच्ची के साथ खुशी से रहती है।